16 में पहली तो 47 की उम्र में सिंगर ने की थी दूसरी शादी। बेटी कर चुकी सुसाइड। बॉलीवुड की फेमस सिंगर और लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले 8 सितंबर को 84 साल की हो गई हैं। 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा के पिता दीनानाथ मंगेशकर फेमस सिंगर थे। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तभी उनके पिता की डेथ हो गई थी। इसके बाद इनका परिवार कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। आशा भोसले ने पहली शादी फैमिली के खिलाफ जाकर की थी। जब वो महज 16 साल की थी तभी उन्होंने 31 साल के गणपत राव भोसले से लव मैरिज की थी। गणपत राव लता की बड़ी बहन आशा के निजी सचिव थे। आशा और गणपत की ये शादी करीब 11 साल बाद टूट गई। कहा जाता है कि पति और उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण ये शादी टूटी थी। 47 साल में की दूसरी शादी 1960 के आसपास। शादी टूटने के बाद आशा अपनी माँ के घर वापस आ गई। इस दौरान आशा प्रेग्नेंट थी और उनकी गोद में पहले से 2 बच्चे भी थे। 20 साल अकेले रहने के बाद 1980 में उन्होंने राहुल देव बर्मन पमचमदा से शादी कर ली। इस दौरान आशा जहां 47 साल की थी तो वहीं पमचमदा 41 साल के थे। शादी के 14 साल बाद पमचमदा की डेथ हो गई और आशा एक बार फिर अकेली पड़ गई। बता दें पमचमदा ने पहली शादी रीता पटेल से की थी। बेटी कर चुकी सुसाइड। आशा भोसले 2 बेटे हेमंत आनंद और 1 बेटी वर्षा भोसले की मां हैं। 1956 में जन्मी उनकी बेटी वर्षा ने बतौर सिंगर जर्नलिस्ट और राइटर अपना करियर बनाया था। वर्षा ने स्पोर्ट्स राइटर और पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल हेमंत केनकर से शादी की थी। हालांकि कुछ टाइम बाद ही 1998 में दोनों का तलाक हो गया। वर्षा माँ के साथ रह रही थी कि 9 सितंबर 2008 में उन्होंने दवाइयों का ओवरडोज ले लिया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी जान बच गई। करीब 4 साल बाद 8 अक्टूबर 2012 को वर्षा ने दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट की जिसमें उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मुंबई वाले घर में वर्षा अकेली थी तभी उन्होंने खुद को शूट कर लिया। ड्राइवर और नौकरानी ने वर्षा की डेड बॉडी ढूंढी थी। पुलिस के मुताबिक पहले उन्होंने खुद को किसी धारदार चीज से काटा था जिससे उनका काफी खून बहा और बाद में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। बता दें आशा के बड़े बेटे हेमंत फिल्म स्कोर कंपोजर हैं और आनंद फिल्म कंपोजर हैं। जब बर्मन ने खुश होकर दिया था 100 का नोट, बीआर चोपड़ा ने नया दौर में उनकी प्रतिभा की पहचान होने बाद उन्हें फिल्मों में मौका दिया जाने लगा। उनमें प्रमुख फिल्में वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान और धुंध है। उन्हें 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल से काफी प्रसिद्धि मिली। सॉन्ग आजा आजा की उन्होंने धुन सुनी तो पहले गाने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये वेस्टर्न डांस नंबर पर आधारित थी। तब बारडी बर्मन ने संगीत को बदलने का प्रस्ताव दिया लेकिन आशा जी ने यह चैलेंज स्वीकार करते हुए सॉन्ग गाए। 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद जब अंतिम तौर पर यह सॉन्ग आशा जी ने गाए तो खुशी से राहुल देव बर्मन ने 100 रुपए का नोट उनके हाथ पर रख दिया। फैमिली के सपोर्ट के लिए शुरू की थी सिंगिंग। आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने फैमिली के सपोर्ट के लिए गाना और फिल्मों में एक्टिंग शुरू की थी। 1943 में आशा ने अपनी पहली फिल्म मराठी माझा बाल में गीत गाया। उन्होंने 14 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए। उन्होंने 12,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी है। इन 4 फिल्मों ने बदली आशा की किस्मत। आशा के सिंगिंग करियर में तीसरी मंजिल 1966, उमराव जान 1981, रंगीला 1995 और नया दौर 1957 जैसी 4 फिल्मों ने उनकी किस्मत बदल दी। उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म बी आर चोपड़ा की नया दौर थी। मोहम्मद रफी के साथ गाए उनके गीत मांग के साथ, तुम्हारा साथी, हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फें तेरी खासे फेमस हुए।